जय माता दी। आज हम आपको मनुष्य के पिछले जन्म के कर्म के आधार पर कष्ट भुगतना पड़ता है उसके बारे में आपको बताएंगे। मनुष्य पिछला जन्म जो कर्म करके आता है उन कर्मों को उसको भोगना पड़ता है। जैसे जिस प्रकार का ट्रेन का टिकट कटाते हैं हम, जनरल का टिकट कटाया, रिजर्वेशन का कटवाया या फिर एसी का टिकट कटवाया, इसी प्रकार से पिछले जन्म के कर्म यदि आप पाप कर्म करके आए हैं तो आपको इस जन्म में कष्ट भुगतना होगा, और यदि पिछले जन्म में पुण्य का कर्म करके आए हैं तो आपको बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी, चाहे कितना ही आप पाप कर्म कर ले। जितने भी बड़े बड़े मनुष्य होते हैं, नेता लोग होते हैं, आईएएस लोग होते हैं, जिनके बहुत राजसी ठाट बात होते हैं, ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं। और जो अच्छे पुण्य कर्म होते हैं उन पुण्य कर्मों का क्षय करके अगला जन्म उनका इस जन्म में भोगते हुए जो उनने कर्म किए जो अगले जन्म के लिए लेकर के जा रहे हैं उस आधार पर उनका नया जन्म होता है। इसलिए इस जन्म में अच्छे कर्म किए जाएं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि मनुष्य हर जन्म में अपने कर्मों का फल भोगता है, संचित कर्म करता है, प्रारब्ध कर्म करता है, क्रियामण कर्म करता है। यदि किसी का पैसा खा करके आए हो तो इस जन्म में आपको उसको पैसा चुकाना होगा। यदि किसी की संपत्ति आप हड़प करके आए हो तो वो संपत्ति का आपको समूल्य राशि आपको देना होती है। पिछले जन्म के पाप कर्म के आधार पर ग्रह नक्षत्र आपको कष्ट प्रदान करते हैं। पिछले जन्म के कर्म के आधार पर ही आपके यहाँ पे लड़का या लड़की उत्पन्न होते हैं। पिछले जन्म के कर्म के आधार पर ही आपको सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति होती है, और पिछले जन्म के कर्म के आधार पर ही आपको अशांति दुख दरिद्रता प्राप्त होती है। इसलिए पिछले जन्म के कर्मों को तो भोगा जाए और उसको भोगते हुए अच्छे कर्म किए जाए। किसी को गाली मत दो, किसी की हाय मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो, सबका मान सम्मान करो, किसी का पैसा हड़पने की कोशिश मत करो, किसी का खाना हड़पने की कोशिश मत करो। जितना आप दूसरों का पैसा हड़पेंगे, जितना आप दूसरों की संपत्ति को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे उतना आपके ऊपर ऋण चढ़ता है, और ऋण पिछले जन्म के आधार पर इस जन्म में यदि उतर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अगले जन्म के लिए आप उस ऋण को लेकर के जा रहे हो। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई से, कमाए हुए धन से ही दान करें। किसी लड़की का ब्याह यदि आप गलत पाप कर्म के पैसे से, पाप कर्म के कर्मों से कमाए गए पैसे से लड़की का विवाह करते हैं तो लड़की विधवा होकर के आपके घर पे वापस चली आती है। मानो या न मानो ये सत्य है और पूर्णतः सत्य है। यदि आपने अपने जीवन में पाप कर्म करके कई मनुष्यों की हाय और बद्दुआ ली, गरीबों की हाय और बद्दुआ ली, और उस पैसे को कमा करके अपने बच्चे को इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करवा दी तो बच्चा बड़े होने पर, डिग्री लेने पर या डिग्री मिलने के पहले ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी, या एक बच्चा उत्पन्न करके उसकी मृत्यु हो जाएगी और घर के अंदर आप अपनी बहू को विधवा देखोगे। कभी कभी हम देखते हैं जवान लड़के लड़कियां फांसी लगा लेते हैं। ये फांसी क्यों लगाते हैं? ये फांसी इसीलिए लगाते हैं कि आपकी पाप की कमाई
जिसके लिए आप पाप की कमाई करते हो वो ही मर जाता है, भगवान उसको ही हर लेता है, फिर आपके पास कुछ नहीं बचता सिवा पश्चाताप के। जो आपकी संपत्ति थी, पुत्र या पुत्री, वो भी चली गई, और फिर जो आपने पाप की कमाई की जो संपत्ति है वो कोई दूसरा व्यक्ति ही उसको, न तो आप भोग कर पाते हैं और न उसको दान दे पाते हैं। इसलिए पाप की कमाई न करें, झूठ न बोलें। यदि झूठ बोलते हो तो श्री शंकर जी, महेश जिनको बोला जाता है, भोलेनाथ जिनको बोला जाता है, उनकी कृपा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। जय माता दी।